जब से व्यक्ति पैदा हुआ है, या ये कहें कि आदिकाल से जब भी मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है, शुरुआत से ही हम एक दूसरे को जानकारी देने के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहे हैं। यानी कि पहले इशारों के माध्यम से सूचनाएं पहुंचाई जाती थी, चित्रों के माध्यम से सूचनाएं पहुंचाई जाती थी, और धीरे धीरे करके फिर हमने ध्वनि शुरू की, और उसके बाद फिर भाषा और लिपि का आविष्कार हुआ। भाषाएं जैसे ही बनना शुरू हुई, व्यक्ति के संचार माध्यमों के लिए ये एक बहुत बेहतर चीज़ निकल कर आई, और लोग बहुत ही सुलझे हुए तरीके से, बहुत ही आसानी से अपने मनोभावों को एक दूसरे तक पहुंचाने लगे। जहां तक हम बात करें कि संचार के माध्यमों की, जब से संचार के माध्यम बड़ी तेजी से बढ़े हैं, भाषा का भी अपना महत्व बढ़ा है, क्योंकि संचार के कई सारे साधन हैं, कई सारे माध्यम हैं। हम बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की बात करें, या प्रिंट मीडिया की बात करें, या टेलीविज़न रेडियो की बात करें, भले ही ये सभी संचार के माध्यम हैं, लेकिन इन सभी में भाषा का एक अपना तरीका है, अपना एक अलग महत्व है। आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे, मीडिया में भाषा का महत्व या भाषा की जो इम्पोर्टेंस है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी, जो कि पुणे आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद शिवेंद्र। शुरुआत यहीं से करते हैं कि भाषा जो है, हम तीन चार उसकी बात करें, टेलीविज़न की, रेडियो की बात करते हैं, या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, तो इनमें भाषा का सबसे पहले कि महत्व कितना है, और इनकी भाषा कैसी होना चाहिए? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और भाषा के संदर्भ में विशेषकर मुझे लगता है कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम भाषा की बात करते हैं, मुझे लगता है कि जिस संदर्भ से शुरुआत आपने की है, तो एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। मौलाना रूमी ने अपनी मसनवी में एक कहानी बयान की है, और भाषा के संदर्भ में वो इतनी सटीक बैठती है कि जब आपने कहा कि जिस तरह से माध्यमों का विकास हुआ, तो भाषा के प्रयोग के भी अलग अलग स्तर और अलग अलग आवश्यकता भी महसूस हुई। जी मौलाना रूमी ने उस अपनी कहानी में ये बयान किया है कि चार आदमी थे, और जिन्हें एक आदमी ने एक दिरहम दिया और उससे कहा कि आप कोई एक चीज खरीद लें। तो चारों आदमी अलग अलग देशों के थे, और उन्होंने ये तय किया कि वो कौन सी चीज कौन सा व्यक्ति खरीदेगा। तो ईरान का जो आदमी था, उसने अपनी जबान फारसी में कहा कि इससे मैं अंगूर खरीदूंगा। इसके बाद में जो अरब का आदमी था, उसने अपनी भाषा में कहा, अरबी में, कि मैं इससे अजम खरीदूंगा। इसके बाद में एक तुर्की आदमी था, उसने कहा कि मैं इससे इनब खरीदूंगा। और एक और किसी दीगर जबान का बोलने वाला आदमी था, उसने कहा कि मैं इससे इस्ताफील खरीदूंगा। अब मामला है कि एक व्यक्ति को एक दिरहम दिया गया है, चारों से कहा गया है कि आप कुछ खरीद लें, तो समन्वय नहीं हो सका, जी और चारों इस बात को लेकर लड़ने लगे कि हमें अपनी ही चीज खरीदनी है। अब अगर वहां चारों भाषाओं का जानने वाला कोई मौजूद होता, तो वो उनको बता सकता था कि आप एक ही चीज खरीद रहे हैं, और वो है अंगूर, जिसे संस्कृत में आप द्राक्ष कहते हो और अंग्रेजी में ग्रेप्स कहते हो। तो जब ये संदर्भ उठा, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाषा संवाद के लिए है, भाषा विवाद के लिए नहीं है। और एक सार्थक संवाद भाषा के साथ में ही हो सकता है, भाषा के माध्यम से हो सकता है। और जब भाषा के संदर्भ में हम बात करते हैं, माध्यमों की भाषा के संदर्भ में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक छंद कहा, और वो भी भाषा पर एकदम सटीक बैठता है। और माध्यमों की भाषा कैसी होनी चाहिए, उस छंद के माध्यम से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से वो बात हम समझ सकते हैं। जी उन्होंने कहा, जो ही एक बार सुने मोहे सो जन्म भरी, ऐसो ना असर देखियो जादू के तमाशा में, अरी हु नवावे सीस छोटे बड़े रीझे सब, मगन रहत नित पूर होई आशा में, देखी न मिसरी में मदहू में न कबहू, रसाल ईख दाख न तनिक बतासा में, और अमृत में पाई ना अधर में सुरंग न के, जैसी मधुराई भूप सज्जन की भाषा। यानी सज्जन की जो भाषा है, जी वो
वही भाषा माध्यमों की भाषा होनी चाहिए जिसमें एक सहजता हो, जिसमें एक रसग्राह्यता हो, जिसमें एक आकर्षण हो, और जिसमें एक ऐसी सहजता हो, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अर्थ का कोई दूसरा अर्थ निकल सकता हो। माध्यमों में इस बात की सबसे अधिक सतर्कता की आवश्यकता है कि भाषा ऐसी हो जो अपना अर्थ उसी रूप में अभिप्रेत करे, अभिव्यक्त करे। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जो 24 आवर्स के न्यूज चैनल है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें जी, तो ये दोनों बातें आती हैं कि इसमें पहली चीज तो ये है कि उसका जानबूझकर उस भाषा का कुछ अर्थ निकाला जाता है अलग तरीके से, जिससे कि विवाद पैदा हो, जबकि ये है कि भाषा हमें संवाद के लिए होना चाहिए, विवाद के लिए नहीं होना चाहिए। तो और दूसरी चीज ये है कि जब तीनों माध्यम जैसे कि हम बात करते हैं, तो इनमें स्वाभाविक सी बात है कि प्रिंट मीडिया की भाषा अलग होगी, इलेक्ट्रॉनिक में अलग तरीके से हम करते हैं, और रेडियो टेलीविजन में अलग है। क्या फर्क, बेसिक फर्क क्या है इनमें, अगर कोई व्यक्ति इनसे जुड़ना चाहता है तो क्या फर्क? तीनों माध्यम अलग हैं जी, एक के साथ में दृश्य है, एक के साथ में अक्षर अपने पूरे अस्तित्व के साथ, शब्द अपने पूरे अस्तित्व के साथ मौजूद है, आप दोबारा पलट कर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और तीसरे के साथ में यानी रेडियो के माध्यम के साथ में न तो आपके सामने दृश्य है और न आपके सामने शब्द उपस्थित है प्रिंट के रूप में। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सबसे अधिक सतर्कता की आवश्यकता रेडियो माध्यम के लिए है, क्योंकि आपके पास ना कैमरा है ना लाइट है, सपोर्ट में कुछ नहीं है, तो जो कुछ भी आपको करना है वो केवल शब्द के माध्यम से करना है, और यहाँ केवल उच्चारण के स्वरूप पर उसका अर्थ बदल सकता है। जैसे एक साधारण सा हम उदाहरण लें कि अगर मैं कहता हूं कि हम और आप साथ साथ चलते हैं जी, तो यहां और का मतलब हुआ हम और आप, तो यहां और का मतलब हुआ और जी, अथवा या। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप और लेंगे क्या, या आपकी और मांग रहती है, तो अब यहां और का मतलब मोर एंड मोर से हो गया, है ना, कि आप अधिकाधिक चाहते हैं। तो उच्चारण के बदलते ही उसका अर्थ भी भिन्न हो जाता है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा श्लोक है संस्कृत में, संस्कृत का वो श्लोक है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजनम श्वजनम स्वजनम श्वजनम मा भूत सकलम शकलम सकृत शकृत। अब यहां सारे अर्थों का स्पष्टपन नहीं करते जी जी अर्थ, लेकिन एक स्वजन का अर्थ हुआ यानी अपना व्यक्ति, अपना, और श्वजन का अर्थ हुआ श्वान या कुत्ता जी, सकलम का अर्थ हुआ ग्रॉस सकल, शकलम का अर्थ हुआ खंड खंड खंडित। तो अब आप सोचिए कि जरा सी चूक अगर होती है शब्द में जी, तो किस तरह से जो है वो अर्थ के अनर्थ हो सकते हैं, और इसलिए वो छोटे से कविता की चार पंक्तियों में इतना स्पष्ट होता है कि बुझा दिया यदि दीप प्यार का कैसे तिमिर निवारण होगा, सही अर्थ निकलेगा कैसे गलत यदि उच्चारण होगा। और ये किसी एक भाषा के साथ में नहीं है, चाहे आप उर्दू की बात करें, चाहे आप संस्कृत की बात करें, चाहे आप अंग्रेजी की बात करें, और चाहे आप हिंदी की बात करें, उच्चारण की अशुद्धता अर्थ को बदल भी सकती है, ये खतरा है। और इसलिए मुझे लगता है कि रेडियो के माध्यम में या प्रिंट मीडिया में भी भाषा के उच्चारण को लेकर और शब्द को लेकर सतर्कता की आवश्यकता तो है जी हाँ, क्योंकि वो रेडियो तो एक तरफा माध्यम है, अगर आप थोड़ा सा चूके हैं, अगर कंटिन्यूटी आपकी भंग होती है और वो शब्द अचानक आता है तो आप उसका मीनिंग कुछ भी निकाल सकते हैं, पलटने की गुंजाइश नहीं, पलटने की गुंजाइश। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी, प्रिंट मीडिया का एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे अर्थ निकलता है जी। एक नेता का नाम था उसमें, और ये था कि अमुक नेता द्वारा मारे गए लोगों को सहायता जी। तो नेता द्वारा मारे गए लोग थोड़ी है, है ना, मारे गए लोगों को अमुक के द्वारा सहायता जी, तो कितना अर्थ हो गया, अमुक नेता द्वारा मारे गए लोगों को सहायता, तो नेता ने थोड़ी लोगों को मारा जी। तो ये सतर्कता की आवश्यकता है, ये प्रिंट मीडिया का में लिखने में भी सतर्कता है, बोलने में भी सतर्कता है, और बहुत छोटी सी बिंदी
कितना बड़ा काम करती है, जरा या सा वो कौमा तो कितना काम जी करता है, ये तमाम बातें आती हैं जब प्रिंट मीडिया की बात करते हैं। शक और शक है, जी और जलील और जलील हाँ है जलील है ना, बहुत सी मजीद और मजीद है, जी। तमाम शब्द हैं और उनके सबके अलग अर्थ हैं। इसी से एक चीज निकल कर आई है, हम चूंकि भाषा के संदर्भ में बात कर रहे हैं और बुंदेलखंड में बैठे हुए हैं, बुंदेलखंड में मुझे लगता है कि भाषा का जितना ज्यादा मटियामेट होता है उतना शायद मुझे नहीं लगता, मतलब ये खासतौर पे ऐसे क्षेत्र जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर हम भाषा की शुद्धता पर बहुत ज्यादा या तो ध्यान नहीं देते या फिर हमें शुरू से ही भाषा पर ध्यान देने की जरूरत समझाई नहीं जाती। हमारे टीचर्स भी हैं तो वो भी ऐसे ही उच्चारण करते हैं तो हम भी उसी तरीके से चले जी चलते हैं। इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है अगर कोई व्यक्ति इस फील्ड में आना चाहता है? बहुत बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न शिवेंद्र आपने जी किया है। यह मुझे बहुत ज्यादा दोष नहीं लगता बहुत सी बातों में। क्या है कि जहां जहां लोकल डायलेक्ट, क्योंकि जिन प्रांतों की बात आपने की, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में लगभग लगभग जो है बुंदेली है, बघेली है, जी निमाड़ी है और छत्तीसगढ़ी है, अब छत्तीसगढ़ प्रांत अलग हो गया बात है, अलवी है और मालवी है, तमाम तरह की ये बोलियां हैं। उत्तर प्रदेश में तो और भरमार है ना, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रिज है। तो जहाँ जहाँ लोकल यानी कि स्थानिक बोलियों का प्रभाव है जी वहाँ वहाँ उच्चारण का दोष बहुत देखने में आता है। बिहार में चले जाएं तो वहाँ भोजपुरी का भी असर है, मगही का भी असर है, मैथिली का भी असर है। तो वहाँ वो जब आप अवधी बोलते हैं, जब आप ब्रज बोलते हैं, जब आप बुंदेली बोलते हैं, तो जहाँ वो अक्षर है ही नहीं वहाँ उसका उस रूप में प्रयोग होना चाहिए। इस फर्क को समझा जाना चाहिए। सुनिए नाथ गरीब नवाज, उसका सौंदर्य वही है। अब अगर नवाज, आप वहाँ गरीब और नवाज नवाज करते बोल रहे हैं हैं तो तो क्योंकि वो लोक बोली में जिस तरह से प्रयोग हुआ उनका, तो उसका स्वरूप और सौंदर्य भी वही है। तो यहाँ ये सतर्कता की आवश्यकता है कि जब हम बोली में उस बात को प्रयोग कर रहे हैं तो वैसा ही तो वैसा उच्चारण करें। करें, और जब हम जिस रूप में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि जब हम जिस माध्यम को, कोई भी भाषा न तो कठिन होती है और न सरल होती है। हो सकता है कि व्यक्ति, विषय और प्रांत के अनुसार भाषा कठिन या सरल हो सकती है। इसलिए जिस प्रांत में आप हैं, जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, उसके अनुरूप थोड़ी सी अगर आपकी भाषा होगी और इसका विचार अगर आपके मन में होगा तो शायद ये गड़बड़ी जो प्रश्न आपने किया है कि भाषा पर विचार नहीं किया जाता या इन क्षेत्रों में उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो अगर ये मौलिक विचार वहाँ आता है कि विषय के अनुरूप, प्रदेश और व्यक्ति के अनुसार अगर भाषा का प्रयोग हम करते हैं, तो ये गड़बड़ी चाहे वह आप किसी भी माध्यम में बैठे हो, मुझे लगता है दूर हो सकती है। इसी से एक प्रश्न निकल कर आता है कि जब हमने भाषा की बात करी और ये कि हमारी बोली या हमारे यहाँ की जो डायलेक्ट है या फिर खड़ी बोली की बात करते हैं, और अब अधिकांश जगह देखिए बोली का ऐसा है कि हम जब अपने क्षेत्र में रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तब तो बोली महत्व रखती है, बराबर आत्मीयता महसूस होती है। लेकिन हम जब किसी इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं पर परीक्षा एग्जाम देने जाएंगे, उस समय फिर आपकी बोली का महत्व मुझे नहीं लगता कि रहेगा। कला के क्षेत्र में छोड़ दें, अगर बाकी जगहों पर हमें उस तरीके से प्रेजेंट अपने आप को करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर वो व्यक्ति भाषा के लिए समर्पित होता है या सीखने की कोशिश करता है तो भाषा के क्षेत्र में अवसर कहाँ उसको मिलेंगे? कि अगर वो बहुत अच्छा पकड़ बनाता है खड़ी बोली में, हिंदी भाषा में, तो फिर उसके लिए क्या क्या अवसर निकल कर सामने आते हैं? माध्यमों की जो मूल रूप से भी भाषा है वो हिंदी ही है। जी हमें अंग्रेजी का बहुत बोलबाला दिखता जरूर है, और जब हमको माध्यम में काम करना है तो मेरा ये भी व्यक्तिगत मानना है कि जब हम माध्यमों में काम करते हैं जी तो अगर हम थोड़ी अंग्रेजी, थोड़ी हिंदी, माना जिस प्रदेश में है, अपन हिंदी प्रदेश में है तो हिंदी तो आपको आनी ही आनी है और अच्छी आनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी दूसरे प्रांत और प्रदेश में भी हैं तो अगर उस प्रांत विशेष की भाषा प्लस थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी अंग्रेजी, थोड़ी सी संस्कृत और थोड़ी सी उर्दू अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बेहतर कम्युनिकेटर, बेहतर ब्रॉडकास्टर, बेहतर ओरेटर आप हो सकते हैं, ऐसा मेरी व्यक्तिगत राय है। और इसलिए चूंकि माध्यमों में आप
कोई जरूरी नहीं है कि आज आप यहाँ काम कर रहे हैं, कल आप कहीं और भी जा सकते हैं, परसों आप कहीं और जा सकते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में भी जा सकते हैं। और सबसे अधिक अगर भाषा का कोई काम है तो अब वो माध्यमों में ही है। इंजीनियरिंग में भाषा का काम नहीं है, मेडिकल में भाषा का काम नहीं है, यहाँ तक कि जमीन से जुड़ा काम है खेती का, लेकिन उसका सारा व्यवहार अंग्रेजी में होता है। एग्रीकल्चर का तो अभी अभी जरा हिंदी और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में बातें आने लगी हैं, अदरवाइज तो सारा कुछ उसका लिटरेचर जो है अंग्रेजी में हुआ करता था। तो कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी भाषाओं का काम, प्रादेशिक भाषाओं का या हिंदी का आप कहिए, कि माध्यमों में सबसे अधिक है और दूसरी जगह अभी भाषा का इस्तेमाल नहीं है। तो जिनके पास में अच्छी भाषा है उनके लिए बहुत अच्छे अवसर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो या टेलीविजन, और अब तो तमाम दूसरे भी साधन हमारे साथ में आ गए हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि न केवल हिंदी बल्कि थोड़ी थोड़ी सी इन भाषाओं का भी काम, जिसको आप कार्य साधन ज्ञान कहते हैं, वो अगर होगा तो एक बेहतर कम्युनिकेटर, बेहतर ब्रॉडकास्टर आप हो सकते हो। ये तो भाषाओं की बात हुई, फिर अगर इनके साथ प्रांतीयता का पुट कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी फील्ड में काम करते हैं, किसी खास प्रांत से जुड़े हुए हैं, तो उसका यूज कैसे कर सकते हैं। भाषा आपको जोड़ती है जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाषा ही आपको जोड़ती है, वही आप में एक अपनत्व पैदा करती है ना। तो जिस प्रांत में आप हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बुंदेलखंड में बैठे हुए हैं और कहीं आप बाहर गए हैं, आप के पास में अगर आपके प्रांत का व्यक्ति मिल जाता है और आप अगर बुंदेली में बोलने लगते हैं तो एक अलग सा आकर्षण और आपकीदा आपके अंदर पैदा होती है। ये व्यवहार की बात है, लेकिन जो प्रश्न आपका था इंटरव्यू को लेकर या करियर को लेकर, तो वहाँ अगर आप बच सकें, जब आप उस क्षेत्र और फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अगर आप बच सकें उस प्रांतीयता के टच से, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। क्योंकि बुंदेली या बघेली या कोई भी लोक भाषा जितनी उसमें मधुरता और मिठास है वो आपको जोड़ती है, वो आपको आकर्षित भी करती है। लेकिन जब आप, मैंने कहा ना कि व्यक्ति, प्रांत और विषय के अनुरूप भाषा होनी चाहिए, तो अगर आप उस तरह से थोड़ा सा संभालने की कोशिश करते हैं तो बेहतर होता है। लेकिन जब ये बात उठकर आती है कि हम अपनी प्रांतीयता को या हम अपनी बोलियों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उनको महत्व नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन जो साधन है संचार के, टेलीविजन हुआ, रेडियो हुआ और मीडिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, ये किस तरीके से सहायक साबित हो सकते हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी आप ये सोचिए कि धीरे धीरे हम अपनी प्रांतीय बोलियों में काम कर रहे हैं, माध्यमों में न्यूज आ रही है, रेशियो में बहुत, रेशियो कम है, लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं था, भोजपुरी की इतनी फिल्में बन रही हैं, भोजपुरी है ना, मैथिली की अकेली लोक भाषा है जिसकी एकेडमी है, मतलब प्रांतीय भाषाओं की एकेडमी है, बोलियों की एकेडमी नहीं है, मैथिली एक ऐसी भाषा है जिसकी अकादमी है। तो धीरे धीरे करके प्रांतीय बोलियों का भी अस्तित्व कायम रखते हुए हम उस पर भी काम कर ही रहे हैं ना। अभी आप ये देखिए कि बहुत ज्यादा अर्सा नहीं हुआ, आज बुंदेली का विषय लेकर लोग पीएचडी कर रहे हैं कि नहीं, पहले तो नहीं था ना। तो ये धीरे धीरे आप प्रांतीय बोलियों के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रांतीय बोलियों को महत्व मिलना चाहिए, लेकिन उसी में सीमित होकर नहीं रहना चाहिए जी। क्योंकि फलक कैनवास बहुत बड़ा है और उस बड़े कैनवास के लिए आपके मन में एक समन्वय का विचार, एक समग्रता का विचार होना बहुत जरूरी है। प्रांतीयता में आप अटक जाएंगे अगर तो नुकसान होगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा ये चीज महसूस करी है, अगर भाषा के बारे में, बोली के बारे में जब हम बात करते हैं, और खासतौर पर ये डिबेट हम शहर में, जिले में दिखाएंगे, यहाँ के लोगों के लिए बात जो सामने आना चाहिए बहुत ज़रूरी है, वो ये कि महाराजा कॉलेज में हमारे यहाँ एक बुंदेली से भी एमए होता है, बुंदेली का एक पेपर होता है, बोली का, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत जो ये है कि जो बुंदेलखंड का जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो बुंदेली पढ़ भी रहा है, लेकिन शायद वो भी, उसको ना तो बुंदेली का पूरा ज्ञान है, जबकि वो बुंदेली से बहुत टच में है, गांव में रहता है, लेकिन जब सामने आता है तो बुंदेली बोलने में हिचक महसूस करता है और हिंदी उसको आती नहीं।
ऐसे में किस तरीके से उसको कैसे वो अपने आप को परिपक्व करे कि भाषा के माध्यम से, क्योंकि ये तो क्लियर है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो यह तो फिर आप प्योर बुंदेली में ऐसी पकड़ मजबूत करें कि आप उसी के सहारे करियर में आगे बढ़ सकें, दायरा सीमित हो जाता है। हाँ, और लेकिन और या फिर इतना मजबूती ये करें कि भाई कम से कम जो हमारी खड़ी बोली है जिसके सहारे ही पूरा चल रहा है तो उसमें काम आना चाहिए, लेकिन ये चीज नहीं आ पाती, इसके लिए क्या दोष क्या है, कमी क्या है? नहीं, संभ्रम की स्थिति है ना जी। एक तरफ आप अपनी लोक बोलियों के प्रति, देखिए बहुत बार बहुत भावुक होकर या भावनात्मक स्तर पर विचार करके ये बात जरूर है कि भावना से ही भाषा बनती है जी। लेकिन बहुत बार केवल भावुक होकर या भावनात्मक विचार के साथ में आप आगे नहीं चल सकते जी। भावना और विचार का एक साम्य होना चाहिए। आप जब आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो जैसे लगभग लगभग आज 55 करोड़ लोगों की भाषा है हिंदी और 11 प्रांत हैं जो हिंदी भाषी प्रांत हैं, और यही कारण है कि सारा का सारा मीडिया कहिए या आज आप दक्षिण की कितनी फिल्में हैं जो डब होकर हिंदी में आ रही हैं, क्यों? क्योंकि उसका एक बड़ा बाजार है, इसलिए ना। तो आप अपनी लोक भाषाओं से जरूर प्रेम करें, क्योंकि लोक भाषाओं में जिस तरह का साहित्य छुपा हुआ है, लोक भाषाओं में जिस तरह की आपके पास में साहित्यिक संपन्नता है, उसका लाभ लेकर आप, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, आज अगर आप मानस के दोहे या चौपाई का उदाहरण दे देते हैं तो आपकी बात बिल्कुल तर्कातीत हो जाती है ना। तो उसका ज्ञान बहुत जरूरी है, एक अच्छे ओरेटर के लिए उसका ज्ञान भी बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उस अपनी जो ग्रंथि है, चाहे वो हीन भावना को लेकर हो, चाहे वो सीमित प्रादेशिकता को लेकर हो, उससे आगे निकलना होगा और अपनी प्रादेशिकता को भी संपन्न करना होगा और उस समग्रता से विचार भी करना होगा, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं कहीं जो अनावश्यक इस्तेमाल है शब्दों का, अभी आप देख रहे होंगे कि प्रदेश है, राज्य है, उसकी जगह सूबा, सूबा है ना। अब सूबे की कोई जरूरत उस ढंग से नहीं है, फिदाई नहीं, अरे आत्मघाती हमला, कुछ शब्द मर जाएंगे जी। अभी कहीं कुछ मीडिया में है, आप फिदाई नहीं कभी कह दीजिए तो कभी आत्मघाती भी कह दीजिए, नहीं अगवा अपहरण खत्म हो जाएगा, अगवा ही अगवा हो रहा है जी, तो अपहरण खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के साम्य की आवश्यकता है, और भाषा को लेकर कभी भी किसी भी तरह का आग्रह किसी को भी नहीं पालना चाहिए। भाषा के साथ में आग्रही नहीं, बल्कि मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आप अनुमति दें, अगर समय आपके पास है तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि किस तरह से ये भाषाएं रही नहीं जाती। जब हम बात करते हैं शरी और किड्स की, जब हम बात करते हैं कबीर और तुलसी की, जब हम बात करते हैं गालिब और नजीर की, तो आप ये बताइए सूक्ष्मता से, आपको एक कालिदास की और भवभूति की बात करते हैं तो आपको ये कहना पड़ता है क्या कि आज मैंने कबीर को जो है वो सरुकड़ी में पढ़ा या शैली को जो है अंग्रेजी में पढ़ा? ये किसी भाषा के नाम रही नहीं जाते, ये नाम हो जाते हैं कविता के, शायरी के, साहित्य के। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये उस स्तर से ऊपर उठ चुके हुए होते हैं। और जब आप साहित्य की बात करते हो तो साहित्य किसी भाषा का नहीं होता, वो तो एक समग्र मानवता को लेकर चलने वाला दृष्टिकोण होता है, और इसीलिए जो है वो इतने तमाम चीजों के बावजूद वो टिकता है। आज तुलसी अमर क्यों है? क्योंकि वो जीवन की बात करता है। इन्हीं बातों से एक बात मुझे निकल कर आई है सामने कि भाषा के जो सौम्यता से इस्तेमाल करने की बात कही गई है आजकल, और यूं कहें कि बहुत से राइटर्स ऐसे हैं जो भाषा में भी इस तरह की शब्दों के हिमायती हैं। मुझे ध्यान आ रहे हैं काशीनाथ सिंह, मैंने उनका काशी काशी पढ़ा हुआ है, उनका ये कहना है कि अगर कोई रिक्शा वाला मेरा कैरेक्टर है कहानी का, और अगर वो गाली देना चाहता है तो क्या मैं उसको साहित्यिक भाषा में गाली लिखूंगा? मैं तो उसी भाषा में लिखूंगा जिस भाषा में वो देता है, और उन्होंने उसको लिखा भी है। तो भाषा के इस प्रयोग को क्या कहें? आपने स्वयं कहा ना, आपने अपने प्रश्न में उत्तर भी दे दिया है जी। क्योंकि जो किरदार है जी, जो पात्र है, उस पात्र के अनुरूप, हमने पहले भी अपनी बात में कहा था कि विषय
व्यक्ति और प्रदेश, इसके अनुरूप वो भाषा होनी चाहिए। अब अगर उनका किरदार उस तरह का है, अभी आप ये देख लीजिए कि फिल्मी गीतों में वही हिंदी वर है जो लिखता है चंदन सावधन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, इसके बाद में वही हिंदी वर है जो लिखता है कि लड़की नहीं तो लकड़ी का खंबा है नाक तेरा लंबा है, मतलब भाषागत व्याकरण का भी दोष है, नाक लंबी होगी लंबा होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो डिमांड है, उस कैरेक्टर की मांग है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हुआ जा सकता बहुत से मुद्दों पर लेकर, लेकिन अगर वो बात है कि पात्र के अनुरूप भाषा कहीं कहीं बनानी पड़ेगी उसमें उस वास्तविकता को लाने के लिए, वही वो प्रयोग होते हैं, अन्यथा अनावश्यक रूप से जब आप ठूस ठास करेंगे वो अलग दिखेगी, तब विरोध हो सकता है। लेकिन अगर पात्र की मांग है, अब जो कोई ट्रक ड्राइवर है तो ट्रक ड्राइवर अगर कोई गीत गाएगा कि वो मोड़ आया वाला जो गीत है जी, जी, जी। तो वो उसके अनुरूप ही होगा ना, वो चंदन सावधन चंचल शब्दावली वैसे ही आएगी उसकी शब्दावली, अदरवाइज वो उस पात्र पर फिट नहीं होगा जी, जी। तो वहां वही बात आ जाती है कि विषय और व्यक्ति के अनुरूप भाषा। चलिए, तो मीडिया में भाषा का महत्व या हमें किस तरीके से मीडिया में भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, भाषा लोगों को जोड़ने के लिए होती है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ही होना चाहिए, अनावश्यक शब्द न ठूसे जाए, जबरदस्ती कोई भी बात ऐसी न कही जाए जिससे कि कोई ऐसा अर्थ निकले जिससे कि समाज में कहीं विसंगति उत्पन्न हो या फिर उसका अनर्थ सामने आता है तो समाज के टूटने का खतरा बने। यानी कि हमें बहुत ही सटीकता से और बहुत ही सजगता से भाषा का प्रयोग करना चाहिए, खासतौर पर मीडिया के क्षेत्र में जो कि एक संचार का बड़ा माध्यम है और करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ता है। यहाँ मैं श्रीजी एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण है, शब्द पहले चलता है उसके बाद वो शस्त्र चलने का कारण होता है जी, इसलिए शब्द महत्वपूर्ण है और इसलिए शब्द का इस्तेमाल जो है वो बहुत सावधानी से होना चाहिए जी। हाँ, बुजुर्गों ने भी कहा है कि भाई जबान एक बार अगर आपने शब्द बाहर निकाली तीर वापस लौट सकता है, लेकिन जबान एक बार शब्द आपने कहे तो फिर वो वापस लौट पाना मुश्किल है। और महाभारत हम देख ही चुके हैं कि सिर्फ एक वाक्य के कारण पूरा महाभारत हुआ था। तो भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन जितनी खड़ी बोली हिंदी भाषा महत्वपूर्ण है, अन्य भाषाएं, हमारी डायलेक्ट या हमारी बोली भी उतनी महत्वपूर्ण है। हमें सही जगह पर उसका सही उपयोग करना आना चाहिए और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम संचार के किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को साबित कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं। आज की इस बातचीत में हमारे साथ थे डॉक्टर सुनील केशव देवधर जो कि पुणे आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी हैं। आपसे बातचीत करके बहुत सी जानकारी हमारे दर्शकों को मिलेगी, आप हमारे स्टूडियो तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ कि भाषा के माध्यम से भाषा की बात हुई, धन्यवाद।